गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। इसके तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाली हस्तियों के नामों का ऐलान किया गया। इससे पहले 23 जनवरी को सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजने का ऐलान किया। आपको बता दें कि भारत की पहली महिला हाथी महावत, जिन्होंने रूढ़िवादिता से उबरने के लिए 14 साल की उम्र में जंगली हाथियों को वश में करना शुरू किया था, उन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए चुना गया है। और वो शख्स है पार्वती बरुआ, जो असम की रहने वाली है, जिनकी उम्र 67 साल की है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो जागेश्वर यादव, जो सामाजिक कार्य के लिए इनको अवार्ड मिला है, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 67 साल है। जशपुर के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जागेश्वर यादव को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा। उन्होंने हाशिए पर पड़े बिरो पहाड़ी कोरबा लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अब बात करते हैं चामी मुर्मू, जो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, जो झारखंड के हैं, जिनकी उम्र 52 साल है। सरायकेला खरसावा की आदिवासी पर्यावरणनीद और महिला सशक्तिकरण चैंपियन चामी मुर्मू को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा। अब बात करते हैं गुरविंद्र सिंह, जो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और इनकी उम्र 53 साल है। बेघर, निराश्रितों, महिलाओं, अनाथों और दिव्यांगजनों की भलाई के लिए काम करने वाले सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सत्यनारायण बरेली, जो केरल से ताल्लुक रखते हैं और इनकी उम्र 50 साल है। कासरगोड के चावल किसान सत्यनारायण बरेली को कृषि अनाज चावल के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए चुना गया है। उन्होंने 650 से ज्यादा पारंपरिक चावल किस्मों को संरक्षित करके धान की फसलों के संरक्षण के रूप में सामने आए। अब बात करते हैं दुखू माझी की, जो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, इनकी उम्र 78 साल है। पुरुलिया के सिंकरी गांव के आदिवासी पर्यावरणविद दुखू माझी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा। उन्होंने हर दिन अपनी साइकिल पर नए गंतव्यों की यात्रा करते हुए बंजर भूमि पर 5000 से अधिक बरगद, आम और ब्लैकबेरी के पेड़ लगाए हैं। अब बात करते हैं के चेल्लम की, जो अंडमान और निकोबार से ताल्लुक रखते हैं और इनकी उम्र 69 साल है। दक्षिण अंडमान के जैविक किसान के चेल्लम को अन्य के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। उन्होंने 10 एकड़ का जैविक फार्म सफलतापूर्वक विकसित किया है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।